हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। ये देखिए, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, ये है पास्ता मसाला, और ये है घर का फ्रेश क्रीम, और यहाँ पे है सॉस और मेयोनीज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी रख दिया है और मैंने गैस को कर दिया ऑन। तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, और हम इसमें डाल देंगे नमक, तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, और हम इसमें डाल देंगे ये मैक्रोनी। ये देखिए, इसको हम 5 मिनट के लिए उबलने देते हैं अच्छे से। सो ये देखिए, 5 मिनट्स हो चुका है, तो पास्ता एकदम अच्छे से पक गया है। तो मैं आपको तो दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं अच्छे से एक बर्तन में। तो ये देखिए, चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हम थोड़ा लाल हो जाने देंगे अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे प्याज हो चुका लाल, तो हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च। इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन रह जाए। और हाँ, अगर आप लोग के पास स्वीट कॉर्न है ना, तो स्वीट कॉर्न भी डाल दो, तो वो भी अच्छा लगता है। तो 2 मिनट हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो इसमें हम डाल देंगे ये पास्ता मसाला, और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब हम गैस को कर देंगे धीरे। तो इसमें हम डाल देंगे अब मलाई। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉस, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मेयोनीज। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा हम गैस को तेज कर देंगे ताकि इसका जो मसाला है कच्चापन बच जाए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसको हम 2 मिनट गैस थोड़ा तेज करके अच्छे से पका देते हैं। तो ये देखिए,
है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए पास्ता बनके हो गया रेडी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।